तो भाई आज का फिर से एक और खतरनाक से गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। एंड आज का ये वाले गेम प्ले में सामने एक फुल मैक्स ब्लड ड्रैगन एंड जस्ट इसके साइड में वो मैक्स अभी कौन सी वो गाड़ी आई थी, वो वाली गाड़ी आई हुई थी एंड एक और ग्लेशियर एंड यहाँ पे एक मम्मी सेट एंड ये वाली गाड़ी को एक बार देखो ध्यान से भाई साहब। इस बंदे पे मैक्स वाली गाड़ी है एंड भाई इसके अंदर एक बंदा पे भाई साहब क्या ही, आई थिंक ये ब्लड ड्रैगन वाले के पास ही है। एंड थोड़ी देर में ये ब्लड ड्रैगन पता नहीं कहीं गायब हो जाता है, लेकिन इसकी गाड़ी यहीं थी तो मैं समझता हूँ भाई ये आसपास ही कहीं घूम रहा है। एंड रही बात अब यहाँ पे प्लेन पे दो बंदों का नाम आता है तो मैं समझता हूँ इन दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा ब्लड ड्रैगन। अब दो ही एक जैसे ही नाम थे तो मैं समझता हूँ भाई नहीं यार एक ही बंदा है कोई, तो मुझे यहाँ तक लगता है कि भाई ये बंदा यहाँ पे स्ट्रेंजर टाउन में आएगा क्योंकि यही हॉट ड्रॉप है एंड ये बंदा यहाँ पे मिस नहीं करेगा आने और यहाँ पे ज़रूर से आएगा क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदा कुत्ता से एक बार फ्री में ही रिकॉल मिल जाता है तो भाई ये चीज़ कोई मिस नहीं करता। एंड मैं अभी यहाँ पर जानबूझ के आता हूँ कि भाई यहाँ पर किल्स मिलेंगे एंड किल्स के चक्कर में तुम्हारा भाई इतनी तेज़ी में कूदता है कि भाई मैं बता नहीं सकता इतने सारे बंदे आए होते हैं यहाँ पे। Watch out! Watch out! भाई साहब यहाँ पे इतनी फाइट हो रही है और मेरी HP देखो और सामने से अभी भी एंड इसी बंदे को आई थिंक इस बंदे का प्लेन आया हुआ था और इसी को तो हमने भरा भी अभी देखो देखो नाम आ रहा उनका। खैर कोई नहीं अब जो है सामने से कोई बंदा AKM चला रहा था एंड अब भाई तो इस ब्लड रन की कुछ बंदे इस पर गन भी चमकाते हैं एंड ये देखो भाई इस बंदे ने भी गन चमकाई। अब नो आइडिया कि इसमें है कौन सा ब्लड ड्रैगन क्योंकि भाई अब पास में तो हमने देखा नहीं उसका नाम हमें पता भी नहीं है बट जो है सामने उनको तो भरते ही जा रहे हैं हम एक एक करके। हाँ गाइस अभी के टाइम पे मैं हिमाचल में हूँ एंड हिमाचल के काफ़ी सारे व्लॉग्स मैं अपने सेकंड चैनल पर डाल रहा हूँ तो ज़रूर से आप लोगों से बोलूँगा भाई हिमाचल घूम रहे तो भाई आप लोग भी ज़रूर से वहाँ पे जाओ और सब्सक्राइब कर लो हमारे सेकंड चैनल को और भाई मज़े लो वहाँ पे हिमाचल में बर्फ मतलब लाइक कभी इतना आइडिया नहीं मेरे को बर्फ पड़ रही है नहीं क्योंकि अभी जस्ट पहुँचे एंड अभी घूमने का पूरा प्लान है। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो एंड इस वाले चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। खैर यहाँ पे अभी कुछ दो बंदे और आ गए थे यहाँ पे भाई यहाँ पे जितने स्पीड से लोग आए थे उतनी स्पीड से वापस भेज दिया मैंने इन लोगों को सबको ही भेज दिया भाई तीन या चार बंदे आई थिंक सो एंड सब का ही नाम किल फील्ड मार रहा है एंड उतने में ही
एक और गाड़ी से इधर कोई तो आया होता है और आके ये देखो कैसे भाग रहा है। व्हाट है? जब इसे मारते तब पता लगता है भाई कि ये एक बॉट था एंड ये भी ऐसी मूवमेंट दे रहा है कि भाई क्या ही बोले। यानी पबजी मोबाइल के बॉट भी तेज खेलते हैं क्या, मुझे समझ नहीं आता भाई। ये भी ऐसे टाइम पे भाई कभी कभी बंदे को निपटा देते ना, दिमाग खराब हो जाता है भाई। खैर यहाँ से हम निकलते हैं, यहाँ पर 17 किल्स कुछ हो गए एक ही जगह पे। एंड अब बारी है अपार्टमेंट चलने की। अब शायद से वो ब्लड रन मुझे रहा था अपार्टमेंट में ही होगा। एंड थोड़ी देर के लिए सांस तो लेने दे नहीं रहे बंदे भाई, थोड़ी देर के लिए हील क्या करने बैठा, उधर पीछे से कोई भर रहा है। अब भाई क्या ही, अब मेन बिल्डिंग में था नहीं, साइड वाले बिल्डिंग में था, तो भाई इतना ज्यादा जल्दी हम जा नहीं सकते थे क्योंकि साइड वाली बिल्डिंग्स में रश करना थोड़ा हार्ड होता है। मेन बिल्डिंग में थोड़ा आराम से पास पास है तो हम घुस जाते, लेकिन वो पूरा एरिया ओपन ही है, उसमें घुसने के लिए डर लगता है बंदों को। लेकिन अब बाहर थी भाई, कुछ भी करके उस बंदे को मारना था तो जाना तो पड़ेगा ही आगे। तो मैं अपने मतलब अपने टीममेट्स को ऐसा बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, तुम उसका जगह पर चेक करो कि वो बंदा कौन से वाले फ्लोर पे है, बाकी मैं उड़ के आऊंगा। तो बोलते ऊपर ही है, तो मैं तो आ ही जा रहा हूँ बस। बिल्डिंग से बाहर है, नीचे खड़ा है उस साइड। इधर ही है, एनिमीज इस साइड है। भाई सही बताओ तो इसको मारने का पूरा मन था भाई, पैन से मार उस बंदे को, क्योंकि इसको पता ही नहीं था मैं हूँ कहाँ। और ये बंदा जब से नीचे ही देखे जा रहा, ऊपर तो देख ही नहीं था, बट भाई नीचे आते आते पता लगता है कि भाई नहीं, अब थोड़ा अलग हो गया सीन। तो भाई मारो बस जैसे तैसे। और यहाँ पे एक बंदा दिखता है, अरे सीढ़ियों के पास है, सीढ़ियों के पास थे। आ जो, अरे उधर से पड़ रही है मेरी एचपी। यहाँ से ना कोई और भी बंदा हमें मार रहा था एंड वो बंदे भी खेल चुरा रहे थे हमारा, तो भाई जल्दीबाजी में मारना पड़ा। एंड थोड़ी देर बाद पता लगता है कि ये बंदे मतलब ये देखो कहाँ पे हूँ मैं, और देखो कैसे पड़ेगी मेरे को भाई, कैसे मैं कवर में हूँ, मेरे को पड़ रही है कैसे। एंड यहाँ पे तभी मैं पता नहीं कौन आसपास भी होता है एंड वो बंदा नीड करता है, और मुझे समझ नहीं आता कि भाई ये वेयरहाउस में कैसे कौन है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड क्योंकि वो बंदा भी वहीं थे तो भाई कौन है हमारे पास मुझे आइडिया नहीं है। एंड एक और नीड आया, एक और मैं टीममेट नॉक, और मैं मतलब एक और टीममेट फिनिश। अब मैं बोलता भाई है कौन आखिरकार, मैं फटाफट से भाग गया था अभी छत पे, क्योंकि भाई अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन कहाँ पे है। तो अभी मेरी पूरी टीम रश कर देती है। अब यहाँ पे इसे पहले नॉक करता है, हील कर ही रहा था तब तक रश आया था एंड मैं जस्ट कूदने वाला था। अब यहाँ पे मेरा रिकॉल बाकी था, लेकिन मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर दिया, तो ये बंदा
इसकी एंड टाइम पे गन भी रिलोड आ गई, तो दूसरे गन से निकाल के मारता तक भाई ये 3-2-1 उतने में जोन टच हो गया आगे भाई। अब मेरा रिकॉल खत्म हो गया एकदम एक सेकंड का डिले में। मैं बोलता भाई काम करो अब छोड़ो यार तुम, आई जाओ बार बार खेलते वापस से। सो गाइस आज की वीडियो से इतना सही। तो भाई आज के बारे मतलब इस वाले में ज़्यादा किल्स हुए लेकिन भाई आखिरी में इतना गलत सीन हुआ कि भाई मैं क्या ही बोलूँ, रिकॉल ही खत्म हो गया मेरा। हर कोई गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। लव यू गाइस, बाय बाय।